सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट टेक न्यूज और रोजगार न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले, तो साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं डिजी ग्लास। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप जो है आज हम लोगों का एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। और कुछ भी शेयर करना हो, रिसीव करना हो, चाहे फोटो हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या चैटिंग करना हो, तो हम व्हाट्सएप से ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है दोस्तों और ये बिल्कुल फ्री है। इसलिए जो व्हाट्सएप है आज हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुका है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि व्हाट्सएप जो है हमारे सारे डेटा को डिलीट करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये डिलीट हो कैसे, क्यों करेगा और इसे आप डेटा को कैसे बैकअप कर सकते हैं और इसका डेट कब तक है, चलिए दोस्तों मैं आपको सारा इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, व्हाट्सएप जो है 12 नवंबर 2018 के बाद से सभी व्हाट्सएप के डेटा को डिलीट करने जा रहा है। जिसने वो डेटा को बैकअप नहीं लिया है वो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, जिसने बैकअप ले लिया है तो उसका वो यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो समय दिया गया है जो सभी यूजर्स को, ये 30 अक्टूबर तक दिया गया है, यानी 18 तक, 30 अक्टूबर तक सभी को अपना डेटा को बैकअप ले लेना है, वरना ये व्हाट्सएप की तरफ से ऑटोमेटिक 1 नवंबर से डिलीट हो जाएगा और 12 नवंबर के बाद से सारा अपडेट होकर आपके फ़ोन में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको आप अपडेट कर लीजिए, आसानी से इसको आप अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपडेट करना है। इसलिए दोस्तों इसको आज ही आप अपडेट कर लीजिए। दोस्तों, बता दूँ कि ये व्हाट्सएप जो है ये डेटा बैकअप का जो ऑप्शन क्यों लाया, क्यों वो आगे से सबको डेटा को डिलीट करने जा रहा है। चलिए मैं बता दूँ आपको कि व्हाट्सएप और गूगल जो है दोस्तों एक पार्टनरशिप पे साइन किया है। इसमें जो है दोस्तों यूजर्स को गूगल ड्राइव में डेटा बैकअप का फ्री स्पेस दिया जाएगा। इसके तहत जो है वो 12 नवंबर से ये सारे जो है इफेक्टिव होगा, दोनों को जो साझेदारी है। और गूगल ड्राइव पर आप व्हाट्सएप के फ्री स्टोरेज को पा सकते हैं। इसी दोस्तों, 1 साल पुराने डेटा को जो आपको है को आप मैनुअली आपको बैकअप लेना पड़ेगा। 12 नवंबर के बाद से ऑटोमेटिक आपको जो डेटा आएगा व्हाट्सएप में आपका गूगल ड्राइव में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों, उसके पहले का जितना भी डेटा है अगर आप मैनुअली बैकअप नहीं लेते हैं अपने गूगल ड्राइव में तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसीलिए व्हाट्सएप कह रहा है कि अपने डेटा को अपने जो जीमेल अकाउंट से जुड़ा हुआ है उसके गूगल ड्राइव में आप डेटा को बैकअप ले लीजिए, ताकि सारा डेटा आपका सुरक्षित रहे। इसलिए दोस्तों आप अपने डेटा को आसानी से बैकअप ले लीजिए। कैसे लेते हैं, चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर कैसे आपको व्हाट्सएप का बैकअप लेना है। दोस्तों, सबसे पहले जो है आपको अपने व्हाट्सएप पे आना है। उसके बाद देख रहे हैं आप सबसे ऊपर में दाएं तरफ 3 डॉट्स, इस पर क्लिक करना है और नीचे देख रहे हैं ऑप्शन सेटिंग का, उस पर आना है। उसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चैट्स, उस पर आना है। और उसके बाद देख रहे हैं आप नीचे में सेकंड लास्ट में चैट बैकअप, आप बैकअप इस तरह से दे सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको आ रहा है नीचे में, यहाँ देखिए बैकअप टू गूगल ड्राइव, वहाँ पर देखिए आपको क्लिक करना है। और आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप कैसे करना चाहते हैं, ओनली व्हेन आई टेप बैकअप, जब मैं इस पर क्लिक करूँ तब लूँ, कि डेली चाहते हैं, वीकली चाहते हैं, कि मंथली चाहते हैं। जब अब जो चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ डेली, तो मुझसे यहाँ पूछेगा कि जो मेरा अकाउंट इस पर लॉगिन किया हुआ है वो पूछेगा, क्योंकि वो जो गूगल ड्राइव है वो किसी न किसी अकाउंट से आपको लिंक रहेगा, तभी आपका बैकअप हो पाएगा। चलिए मेरा यहाँ पर सेटिंग क्या हुआ है, मैं ये क्लिक किया और चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पर डेली आ गया। और आप चाहते हैं यहाँ सबसे नीचे जो ऑप्शन है इंक्लूड वीडियोज़, हाँ चाहते हैं कि मेरा वीडियो भी साथ में बैकअप हो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मेरा जो है 534 MB का वीडियो है वो मैंने टिक कर दिया है। अगर मैं चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, ना तो छोड़ सकता हूँ। चलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, आप चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद आपको बैकअप पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मेरा प्रोसेसिंग हो रहा है और ये मेरा हो चुका है बैकअप। बैकअप देखिए मेरा जो बैकअप शुरू हो चुका है दोस्तों। इस तरह से आप आसानी से अपना बैकअप ले सकते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा था, तो आप आसानी से कर लीजिए, आपका बैकअप दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहाँ कैंसिल कर दिया हूँ क्योंकि मेरा बैकअप पहले भी लिया हुआ है, तो इस तरह से आप आसानी से बैकअप ले सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप लोग जो डेट मैंने बताया उससे पहले आप लोग अपना बैकअप ले लें, ताकि जो भी अपडेट्स करें व्हाट्सएप वाले अगर डिलीट करें तो आपको कोई भी नुकसान नहीं हो, क्योंकि आपने डेटा को पहले बैकअप ले लिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।